हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है हनुमान जी जन्मोत्सव, तो आप सबको हनुमान जी जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर हमेशा हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे, आप हमेशा खुश रहें। और आज हम आपको लेके चलते हैं हनुमान जी मंदिर, जो यहाँ उदयपुर में काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और काफ़ी मैं और भी मंदिर आपको लेकर चलूँगी। तो चलिए आज हनुमान जी जन्मोत्सव मनाते हैं। जय श्रिया। श्री गुरु चरण। तो ये मंदिर है सरदारपुरा स्थित श्री वीर हनुमान जी का मंदिर है ये। तो यहाँ हम कई वर्षों से, हम खुद भी यहाँ हर मंगलवार को दर्शन करने आते हैं। ये भी बहुत चमत्कारी मंदिर है। ये हनुमान जी का मंदिर दक्षिणी मुखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दक्षिणी मुखी हनुमान जी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। यहाँ पे इनका ये दिया लगा रहा है मेरा बेटा। आज के युग में बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। बच्चों को सनातन धर्म से ज़रूर जोड़ना चाहिए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि समय के साथ परिवर्तन तो ज़रूरी है, लेकिन हमारी संस्कृति और धर्म को कभी ना भूलें। उन्हें हमेशा सर्वोच्च रखें। भगवान के प्रति उन्हें प्रेम और आदर सिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है। महावीर विक्रम बजरंगे, कुमति निवार सुमति के संगे, कंचन वरण विराज सुबेता, कानन कुंडल कुंचित केता, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जने। और ये यहाँ पे हम अब आ गए हैं फतेह स्कूल के पास, सूरजपुर चौराहा से थोड़ा सा आगे की तरफ है ये मंदिर। यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी इस मंदिर की भी मान्यता है। यहाँ भी भक्तों की देखो भीड़ लगी हुई है। ये मेरी बिटिया भी साथ में आई है, पहले ये नहीं थी हमारे साथ, स्कूल से आई है, उसके बाद इसको भी हम लेकर आए। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरीके से भगवान के मंदिर को सजा रखा है। निकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन और यहीं बालाजी मंदिर में पास ही ये उसी मंदिर में शिव भगवान का भी मंदिर है। देखो कितना सुंदर मंदिर है ये। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे हैं, सब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं यहाँ पे। और ये है भोपालपुरा स्थित विजय हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से मंदिर को सजाया गया है। ये माता जी का मंदिर है और ये राधे कृष्ण का मंदिर है। और ये माँ अम्बे का मंदिर है। और यहाँ पे ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये
यहाँ पर है श्री राम दरबार। और ये है हनुमान जी का मंदिर। बहुत ही अच्छा है ये मंदिर, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है इस मंदिर में। यहाँ आए दिन भजन कीर्तन भी होते रहते हैं। मेरी बड़ी बेटिया है, ये भी धूप लग रही है, ये अभी आई है वीडियो में क्योंकि ये वीडियो बना रही थी। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छी तरीके से भगवान को सजाया हुआ है। और यहाँ पे चल रहा है सुंदरकांड का पाठ। और ये हम रास्ते में जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पे ये हनुमान जी के मंदिर को ऐसे सजाया हुआ है हर जगह। तो हम जहाँ भी गए वहाँ पे हम लोग दर्शन करके और आए हैं। ये भी घंटाघर में स्थित है ये वाला मंदिर भी। यहाँ पे भोग लगा हुआ है इनको, यहाँ पे भी ये भोग इनको लगाया गया है। ये 56 भोग है तो ये कल वितरित होगा ये प्रसाद भी। कितनी सुंदर मूर्ति है बजरंग बली की, देखिए। और इनको केक चढ़ाया गया है। और ये है जगदीश मंदिर, उदयपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। हम उधर जगदीश मंदिर आए थे और जगदीश मंदिर में आरती की आवाज़ आई तो हमसे रहा ही नहीं गया, तो हम साथ ही साथ जगदीश भगवान की आरती के लिए भी हम लोग रुक गए। बहुत ही आनंद आया इस आरती में, हमको बहुत ही अच्छा लगा। जगदीश मंदिर के ऊपर से नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे भी ये भगवान का मंदिर है जहाँ पे ये पंडित जी कथा कर रहे थे। देखिए आप कितना खूबसूरत लगता है यहाँ से। और यहाँ पे उस दिन इतनी भीड़ थी, इतना ट्रैफिक जाम था घंटाघर में, क्योंकि यहीं थोड़ा सा आगे बदनूर की हवेली में हवेली है जहाँ पे मनसापुन हनुमान जी का मंदिर है। मैं थोड़ी देर में आपको वहाँ लेकर चलूँगी। तो ये है बदनूर की हवेली, उदयपुर में घंटाघर के पास स्थित है ये बदनूर की हवेली। यहाँ पे है मनसापुन हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर जो अपने आप में एक खूबसूरत सा इतिहास समेटे हुए हैं। भक्तों की मंशाओं को ये 300 वर्षों से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं जो इनकी मंशाओं को ये पूरा करते आ रहे हैं। और कई भक्तों की तो ऐसी कहानियां हैं जहां पे श्रद्धा सब प्रश्नों पर भारी पड़ती नज़र आती है। भक्तों के इस बेइंतहा भीड़ से घिरे रहने वाले मनसापुन हनुमान जी जहाँ इच्छा पूरी करते हैं, वहीं ऐसा कहा जाता है कि अगर मन्नत पूरी हो गई हो और अगर मन्नत मांग करके हम भूल गए हों तो ये सपने में आकर बुला लेते हैं। ऐसा दूर विदेश में रहने वाले जो भक्त हैं उन्होंने आकर के बताया कि हमें सपने में आकर के बोला गया कि यहाँ पे आपने मन्नत मांगी थी और ये पूरी नहीं हुई। तो कहीं वो ऐसा बोलते हैं कि सपने में आकर ऐसा बोलते हैं कि लड्डू की मांग करते हैं भगवान, या कहीं पान की मांग करते हैं, तो ऐसा कहते हैं, ऐसा ये कहा जाता है। और ये मतलब बच्चे ही नहीं, यहाँ पे बच्चे वगैरह सब आते हैं, बड़े बूढ़े भी सब आते हैं यहाँ पे। इसी कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है।
और एक और चमत्कारी बात इस मंदिर की यह है कि भगवान मनसापूर्ण हनुमान जी की शिला की जो आकृति में बदलाव होता रहता है यहाँ पे, यह मूर्ति की मुंह की दिशा भी भक्तों ने कई बार बदलती हुई देखी है। और मंदिर में जो पुजारी है वो बताते थे कि कई बार ऐसा होता है कि हनुमान जी के श्रृंगार जो करते हैं, उनकी आंगी जो धराते हैं, तो हमेशा से वही सामान लाना पड़ता है जो इनका नाप वगैरह सब लिया हुआ होता है, लेकिन कई बार इनके वो जो बनाई हुई उसी नाप से बनाई हुई इनकी आंगी कम पड़ जाती है और कहीं कई बार छोटी पड़ जाती है। तो कई बार ये छोटे बड़े रूप में भी आते हैं। कभी ऐसा बोलते हैं हनुमान जी की प्रतिमा सुबह सुबह बच्चों सी तो दिन में क्रोधित बालक सी लगती है, और वहीं शाम को ये मूर्त सौम्य एहसास दिलाती है, और रात होते होते ये बूढ़े इंसान जैसे लगने लग जाते हैं। तो अगर आपकी भी कोई इच्छा है और मनसापूर्ण हनुमान जी से मांगनी है तो आप घर बैठे ही उनसे मांग सकते हैं, और पूरी होने के बाद आप मंदिर में दर्शन के लिए झीलों की नगरी उदयपुर ज़रूर आएँ, तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करें। और ये यहाँ पे थोड़ी ही दूर बदनौर की हवेली के थोड़ी ही दूर यहाँ पे भी मंदिर था, तो हमने यहाँ पे भी दर्शन किए। और ये मंदिर है कोट चौराहे स्थित मंदिर है, ये भी काफ़ी चमत्कारी मंदिर है और ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी उस दिन। यहाँ पे भजन संध्या चल रही है, यहाँ पे भी भगवान की हनुमान जी के भजन गाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, ये यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी उस दिन, क्योंकि यहाँ पे भगवान के दर्शन करने जो भी श्रद्धालु आ रहे थे उनको भोजन भी कराया जा रहा था यहाँ पे। दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।